आज बनाएंगे बिना कलर बिना केमिकल कच्चे आम से मिनटों में बनने वाले आम पापड़। इसे हम स्टोर करके एक साल तक रख भी सकते हैं। तो चलिए इसे कैसे आसानी से बनाते हैं देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है 5 आम, जो कि कच्चे आम मैंने लिया है। आप चाहे तो यहाँ पक्के आम भी ले सकते हैं। तो उसके बाद इसका छिलका मैंने हटा दिया है। छिलका हटाने के बाद इसको ऐसे ही हम धो लेंगे पहले, और धोने के बाद इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। ये देखिए, ये ज़्यादा कच्चा भी नहीं है, बस थोड़ा सा ही पका हुआ है। तो मीठे आम अगर लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो उसके बाद चलिए इस सबको अच्छी तरह से कट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इस आम को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख लिया है। तो अभी ले लेते हैं कुकर। तो कुकर में हम इसे डाल देंगे। यहाँ कुकर में डालने के बाद यहाँ मैंने दे दिया है 1 कप पानी। ये देखिए, यहाँ मैंने डाल दिया है 1 कप ही पानी, ज़्यादा पानी ना डालें। उसके बाद चलिए कुकर गैस पे लगा देते हैं और इसे उबाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने उबाल के इसको निकाल लिया है। यहाँ मैंने 2 सीटी ही लगाया था। तो ये देखिए, अच्छी तरह से ये उबल चुका है। उसके बाद चलिए एक छन्नी ले लेते हैं और एक बाउल के ऊपर इसे रख लेते हैं, और उसके बाद ये सबको इसमें डाल देते हैं उस छन्नी में। और इसे डालने के बाद एक चम्मच लेंगे, चम्मच के मदद से इससे धीरे धीरे प्रेस करेंगे, तो ताकि इसका पल्प को हम निकाल सकें आसानी से। आप चाहें तो यह ग्राइंड करके भी पहले आम को इसके बाद इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत स्मूथ बनेगा आम पापड़, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, इसके जो रेशे हैं हम इसे निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए, इसका रेशे निकल आया है, इसे फेंक देंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगी आपके पास पहले पहुँच जाएगा। और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए, ये सारे रेसेस निकल आए हैं, तो इसको अलग पार्ट है, तो इसको हम फेंक देंगे। तो इसका पल्प हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है, इसको तो निकाल लिया है। उसके बाद चलिए डायरेक्ट कढ़ाई में हम डाल देंगे और गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये देखिए, मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है, तो ये उबलना शुरू हो गया है। तो इसको हम धीरे धीरे करके चम्मच से मिक्स करते जाएंगे, ताकि नीचे लग ना जाए। तो इसके बाद इसको चलिए हम ढक देंगे, ताकि ये उबल के चिटकता है, तो इसके लिए हम इसे ढक देंगे। तो मैंने यहाँ ढक दिया था। ये देखिए, ये जब भी उबलेगा तो ये चिटकेगा, तो चारों तरफ से फैल ना जाए। ये देखिए, और ये धीरे धीरे देखिए पकना शुरू हो गया है। इसका धीरे धीरे कलर भी चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए उबलने रखेंगे और यहाँ डाल देंगे चीनी। मैंने यहाँ 1 चम्मच बड़ा वाला चम्मच से चीनी लिया है, तो यहाँ 2 चम्मच डाल देंगे। और उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद यहाँ डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और इसे डाल के अच्छी तरह से सब कुछ फिर मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए उबालेंगे। चीनी डाल के थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमने निकाल लिया है। उसके बाद ठंडा हो चुका है। इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, और यहाँ डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ डाल देंगे चाट मसाला 1 चम्मच, और ये सब डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद एक देखिए थाली लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगा लेते हैं और ये बैटर को इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने तेल स्प्रेड कर लिया है चारों तरफ से। उसके बाद इसमें ये बैटर को डाल देते हैं। तो इतना ही पतला हमें चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं। ये देखिए, नहीं तो ज़्यादा सूख जाएगा अगर ज़्यादा गाढ़ा करेंगे। तो जब भी चलिए थाली में हम डाल देते हैं और फैला लेते हैं। और इस तरह से फैला लेने के बाद आप चाहे तो, अगर आपके यहाँ धूप लग रहा है तो आप धूप में सुखा सकते हैं, या फिर पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। इसे हम 2-3 दिन तक ऐसे ही सुखाएंगे। तो चलिए देखते हैं।
ये देखिए यहाँ 2-3 दिन हो चुका है तो मैंने पंखे के नीचे ही सुखाया था, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ड्राई हो चुका है। तो अभी चलिए हम इसे निकालते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ, कितनी आसानी से देखिए निकल रहा है, कितने अच्छे से सूख चुका है। तो यहाँ आपको धूप की भी ज़रूरत नहीं है, पंखे के नीचे भी आसानी से सूख जाएगा। तो इसे एक धूप आप लगा के अगर रख लीजिएगा तो 1 साल तक आराम से ये रह जाएगा। तो इसे अभी हम कट कर लेंगे और इसे कट करने के बाद इसे स्टोर करके हम 1 साल तक रखेंगे। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। आपका पापड़ कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए थैंक यू।